वर्धस्वचेदवर्धे चात्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्याधेन शमेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम ओम अयन्त इत्मयात्मा जातवेदस्वचेदवर्धे चात्मान् पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्याधेन शमेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जब स्वाहा बोले तो अपने भीतर के विकारों को इसमें भस्मीभूत करना है। किसी को तनाव हो, क्रोध हो, बीमारी हो, व्याभिचार हो, जो गलत काम करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तमस करते हैं, गार्जियन का गुरुजन का बात नहीं मानते हैं, जो यहाँ कहने पर भी हल्ला करते हैं, वो सारे व्यक्तियों का विकार हे अग्निदेव आप अपने अंदर समाहित कर लो और मेरे विद्यालय परिवार के सभी बाल बच्चों का जीवन उज्जवल करो। जैसे अग्निदेव अपने को तपा करके जला करके भी सबको कल्याण कर रहे हैं, वैसे ही मेरा जीवन पवित्रता के साथ उज्ज्वलता को प्राप्त करके सूरज की तरह चमकता रहे। ओम अयंत इत्मयात्मा जातवेदस्य रेदस्य वर्धते वर्धे चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्याधेन शमेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। किनारे हो जाएगा सर। ऐसे अग्निदेव देखे कभी जल्दी ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे धुआं धक्कर ऐसे होता है। ओम अयंत इत्मयात्मा थोड़ा दूरी बना रखिएगा। जातवेदस्य रेदवर्धस्वचेदवर्धे चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्याधेन शमेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब बैठ जाइए आप लोग जहाँ हैं वहीं पर भी बैठ जाइए, वहाँ पर भी इधर से भी फोटो लीजिए बाबू, इधर से सामने ऐसे जी फोटो ले रहे हैं, इधर से फोटोग्राफी ले लीजिए। अब हम लोग जल प्रोक्षण मंत्र करते हैं, चारों तरफ से लीजिएगा, सब बैठ जाइए आप लोग बढ़िया से। अब इसमें जल को अब अग्निदेव हमारे सामने उपस्थित हो गए, अब इनको हम लोग सीमा में बांधते हैं जल प्रोक्षण मंत्रों के साथ में। बहन जी आप आपका ध्यान नहीं कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि जो भी बैठे हैं सबका ध्यान अग्निदेव पे टिका रहे, मौन होकर के हे अग्निदेव मेरे जीवन की अपवित्रता नष्ट हो जाए और मेरे जीवन दिव्यता से भर जाए। इसमें हल्ला क्यों वैसे हो रहा है, बेवकूफी जैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप सबका ध्यान अग्निदेव पे टिका रहे। अब जब मैं एक मंत्र बोलूं तो जल को क्या करना है, एक मंत्रों से इधर से जल उधर ले जाएंगे, एक मंत्रों से वहां से उसको निकल जाएंगे और एक मंत्रों से वहां से उसको, समझ में आ रहा है ना। जल ले लीजिए जहाँ बैठे वहीं पे, नजीक नहीं जाना है। एकाध टूटा हुआ लकड़ी है तो दे दे।